नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गए हूं। बड़ा मजा आता है करंट अफेयर्स पढ़ने में और पढ़ाने में भी। बड़ी बात यह होती है कि हमें देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इसको एक न्यूज़ बुलेटिन के तौर पर ले सकते हैं। कुछ हम लोग और नई तैयारियां कर रहे हैं, एक ग्रीन स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो करंट अफेयर्स देखने का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। कई सारे लोग रीजनिंग के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि सर रीजनिंग कहाँ से पढ़ी जाए। रीजनिंग के लिए एक पेड बैच चल रहा है, रोज 2:30 बजे उस पर क्लास होती है। आप थेडु स्टोर यानी कि द एडु स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिए उसे। उसके बाद संपूर्ण रीजनिंग बैच नाम से एक पूरा कंप्लीट बैच, किसी भी एग्जाम के लिए वो कंप्लीट बैच है, वो यहाँ पर 2:30 बजे चल रहा है। इसके अलावा 11 बजे एक क्लास आती है रीजनिंग की माई पाठशाला चैनल पर, जिसे आप देख सकते हैं। और अगर आप नहीं कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो क्लास भी अगर आप देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे परचेज करें। मैं क्यों कहूँगा कि भैया परचेज ना करें, लेकिन आप को जैसा लगे, आपको लगता है कि नहीं बहुत एकदम पूरा बंडल्ड वे में तैयारी चाहिए, एकदम सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए, PDF असाइनमेंट वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए, तो फिर आप वो पेड कोर्स ले लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि YouTube में काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें महसूस होती हैं और ये चीज़ें संभव नहीं हो पाता कि उसको फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि भाई नहीं संभव हो पाता है तो नहीं हो पाता। फिलहाल चलते हैं आज के करेंट अफेयर्स की ओर। मैं भटक गया पेड कोर्स के प्रमोशन में ही। एक राज्य है और वहाँ पर रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि यह अभियान तो सभी राज्यों में किया जाना चाहिए। कौन सा राज्य है इसके बारे में बात करते हैं, पहली न्यूज ही इसी को लेकर रखते हैं। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान उन लोगों के लिए है जो मास्क लगाने में आनाकानी करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर एकदम वीरता से घूमते हैं कि भाई हमें तो कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को रोका जाएगा, उनसे 20 रुपए लिए जाएंगे और उनको एक मास्क पकड़ाया जाएगा, पहनो। 2-3 बार टोके जाएंगे, 2-3 बार पैसे उनसे लिए जाएंगे, जबरन वसूली की जाएगी। लेकिन ये जो वसूली है, ये जो उनको टोका जाएगा, ये कोई पुलिस बल नहीं करेगा, ये एक स्वैच्छिक संगठन करेंगे और इसके जरिए इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की थी, जो अब तक देखा जाए तो घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसमें पानी से होने वाली बीमारी, खांसी, खसरा, मलेरिया, डेंगू, इन सभी बीमारियों के बारे में डेटा जुटाया जाएगा और घर घर जाकर जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो क्वारंटाइन हुए हैं घर पर, उनका जाकर उनका कोरोना का इलाज किया जाएगा। तो हाल फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नाम के एक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है जो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। अब इस अभियान के तहत राज्य के चयनित स्वैच्छिक संगठन, ये जो चयनित स्वैच्छिक संगठन है, इनका चयन जिलेवार DM करेंगे, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्वैच्छिक संगठन इस तरह के अभियान को चलाएगा, ये जिलेवार DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिलाधिकारी जो होते हैं, वो इसका चयन करेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर ही इन स्वैच्छिक संगठनों को मास्क के वितरण के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएंगे और सभी चयनित संगठनों को जीवन शक्ति योजना के तहत, जीवन शक्ति योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी जिसमें महिलाओं को बोला गया था कि आप मास्क बनाइए और इसके जरिए जीवन शक्ति योजना के नाम से घर में जो महिलाएं हैं जो रोजगार विहीन हो गई थी उनको मास्क बनाने का रोजगार प्रदान किया गया था। तो 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। तो हाल फिलहाल मध्य प्रदेश की एक और न्यूज है मेरे पास। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिन्हें PM स्वनिधि योजना कहा जाएगा, PM स्वनिधि योजना भी हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे छोटे लोन देने के लिए शुरू की गई थी। PM स्वनिधि जो योजना है इसमें 10,000 रुपए तक का लोन जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेड़ी वाले होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, उनको प्रदान किया जाएगा ताकि लॉकडाउन के दौरान जो उनकी पूंजी थी जो समाप्त हो गई थी वो इस पूंजी के जरिए दोबारा से अपना छोटा सा धंधा शुरू कर सके, दोबारा से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके। तो ये फिलहाल अगर देखा जाए तो इस मामले में, इस तरीके से लोन देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सबसे आगे है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद के लिए ये योजना लागू की जा रही है। शहरी सड़क विक्रेताओं के अलावा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त सहायता प्रदान
की जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इधर इस महीने के दौरान, मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार हम लोग मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था इंतजार आपका एक कैंपेन, एक अभियान शुरू किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश का टूरिज्म यानी मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका नाम का एक अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किल कोरोना नाम का एक कैंपेन चलाया था जिसमें काफी ज्यादा संख्या में लोगों का घर घर जाकर उनका सर्वे करना था। उस सर्वे में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के बारे में पता लगाना था, उनका डेटा एकत्रित करना था। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, बुखार, इस तरह के किसी भी और बीमारी से अगर वो संबंधित है तो उसके बारे में भी इस डेटा एकत्रित करने के लिए टीमें लगाई गई थी। मध्य प्रदेश जो है ये टॉप स्टेट है कंट्री का जिसने अभी हाल ही में गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदा, और अभी आपने देखा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट वही होता है जैसे आपने मोबाइल आपका खराब हो गया आप उसको क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, लैपटॉप, मोबाइल, पेजर वगैरह, वॉट एवर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब हो जाते हैं उनको ई वेस्ट कहा जाता है, और ई वेस्ट क्लिनिक में उनको दोबारा से रिसाइकिल करने की कोशिश की जाती है। इस तरह का पहला क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार ही है जिसने प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ना या पढ़ाना अपने स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 के दौरान इंदौर जो है इसने अभी हाल ही में टॉप किया था, कई सालों से टॉप कर रहा है 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले सिटीज में, जबकि भोपाल जो है देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बनी थी। सिंगर सुमन कल्याणपुर और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया क्रमशः 2017 और 2018 के लिए। पहला एडिशन निमाद चिली फेस्टिवल, मध्य प्रदेश की चिली जो है काफी फेमस है बुंदेलखंड से, तो पहला चिली फेस्टिवल, निमाड चिली फेस्टिवल जो है ये कासरावाड खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, और इसका जो मस्कट था वो चिली चाचा था, यानी शुभंकर जो था इसके जो ब्रांडिंग की गई है वो चिली चाचा के नाम से की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया था, और अगर देखा जाए पीएम जय यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया था कि एमपी ने इस मामले में टॉप किया है। तो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में जो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं उनमें एमपी काम कर रहा है। एक और योजना है यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि योजना, ये जो योजना है इसमें जन औषधि केंद्र बनाए गए जगहों जगहों पर ताकि जो जेनरिक दवाएं हैं उनको काफी सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। 3 दिन का नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इंदौर जो है ये पहला सिटी रहा जिसने लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया था। कैपिटल भोपाल है, स्टेट एनिमल भारासिंगा है, राजकीय पशु भारासिंगा है, स्टेट ट्री यानी कि राजकीय वृक्ष बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, स्टेट फ्रूट अपना आम, चीफ मिनिस्टर अपना आम मैंने इसलिए किया मुझे आम बहुत पसंद है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, गवर्नर वर्तमान समय में लालजी टंडन है लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल कार्यवाहक के तौर पर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभाल रही है, क्योंकि लालजी टंडन की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है। लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में 2रा सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पर राजस्थान है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं और ये आपके हिंदी में स्लाइड हो जाएंगी। अगली जानकारी है, आप सभी को पता होगा कि दिसंबर में राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया। राहुल जौहरी कौन थे? राहुल जौहरी बीसीसीआई के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। बीसीसीआई को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए बीसीसीआई यानी कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो बीसीसीआई है, और देश का सबसे बड़ा जो एजेंसी है क्रिकेट के मामले में वो भी बीसीसीआई है। राहुल जौहरी का अभी चयन किया गया था जस्टिस एम लोढ़ा समिति के आधार पर। जस्टिस एम लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के पैनल और उसके मैनेजमेंट पैनल को लेकर सिफारिशें दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम एक व्यक्ति सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर ऐसा होना चाहिए जिसका क्रिकेट से कोई संबंध ना हो,
और वो अन्य प्रबंधकीय देखभाल कर सके, अन्य मैनेजरियल टास्क को कंप्लीट कर सके। ऐसे में राहुल जौहरी का नाम आया था, लेकिन राहुल जौहरी द्वारा कुछ वित्तीय लेन देन, बहुत सीक्रेट वित्तीय लेन देन जो थे वो लीक हो गए, वो जनता को पता चल गए, वो बाहर चले गए, और ऐसे में उन्होंने अब जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन उस समय बीसीसीआई ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था, लेकिन अभी हाल ही में 6 दिन पहले उनके बीसीसीआई ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। अब जाहिर सी बात है, उन्हें कोई ना कोई सीईओ चाहिए ही था, तो ऐसे में आईपीएल के सीईओ सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हेमंग अमीन को बीसीसीआई में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। अब मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई तो अब आपको जरूर याद रहेगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में किसको अभी हाल ही में चुना गया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ हेमंग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। जब तक कोई नया कार्यकारी अधिकारी नहीं आता, बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा 9 जुलाई 2020 को ही स्वीकार कर लिया था। हेमंग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग के संचालन समिति में शामिल हैं और आईपीएल के सीओओ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया भारत के क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है, और ये बोर्ड एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी के फॉर्म में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है, सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जैसा है। दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था, सचिव अमिताभ चौधरी है, जबकि पुरुषों के टीम के जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं, जिनका चयन अभी हाल ही में किया गया। अगली जानकारी तक चलते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐप है जिसे सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ का ऐप और वेबसाइट, छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है उसको सम्मानित किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ की सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है, और इस योजनाओं का जो विवरण है उसका जो डेटा है उसमें बहुत ही ज़्यादा सटीकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का डेटा फॉर्जरी लॉन्च कर दिया हो या कि उसमें कहीं पर भी विसंगतियां पाई गई हो। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलाइट टेक्नोमीडिया के डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है, और छत्तीसगढ़ का इस ऐप को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम है वर्तमान समय में भूपेश बघेल। इन्होंने हाल ही में एक रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया था रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ताकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्टर कर सके और रोजगार पा सके। अगला, भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, गौरेला पेंड्रा मैवेही नाम का 28वां डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ में बनाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो शुरू की है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मदद की जा सके, सब्सिडी योजना है। छत्तीसगढ़ जो है ये उन स्टेट में टॉप पर रहा है जिसने मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया है, लेकिन ये इस साल के आंकड़े के मुताबिक है। अब तक मनरेगा में, जब से मनरेगा शुरू हुई है तब से लेके अब तक, सबसे ज्यादा जो रोजगार उपलब्ध कराया है वो उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध कराया है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जबकि छत्तीसगढ़ इस पूरे साल के दौरान यानी कि वर्तमान समय में जितने लोग मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो छत्तीसगढ़ का है। यानी इस समय अगर मनरेगा के तहत मजदूरों का जो रजिस्ट्रेशन है, मनरेगा के तहत जो रजिस्ट्रेशन वाकई में एक्टिव मजदूर हैं, जो वाकई में काम कर रहे हैं, जिनको काम मिला हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का नंबर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर यूपी है। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यूपी में अब तक जितना मनरेगा में रजिस्टर हुआ, अब तक जितना रोजगार प्रदान किया गया, यूपी उन सभी मामलों में टॉप पर है टोटल ओवरऑल रैंकिंग में। लेकिन इस साल के दौरान जो वर्तमान समय में एक्टिव मजदूर काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में काम कर रहे हैं जो लोग, उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। अगर बात करें, हाँ, तो छत्तीसगढ़ जी है जो पहले सीएम अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ 2000 में अस्तित्व में आया था, और उस समय जो सीएम बने, उस समय सीएम बने थे अजीत जोगी, यानी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ जो पहला स्टेट है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू करने की बात की है। गोधन न्याय योजना का मतलब ये हो गया कि गोबर को बेचकर उससे कुछ पैसा कमाया जाएगा, और गोबर को खरीदा जाएगा, जो भी पशुपालक है उनसे गोबर खरीदा जाएगा और उसके जरिए उसको कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा और फिर उसको बेचा जाएगा। तो इस तरीके से एक ये पूरी योजना है।
इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये कि जो पशुपालक हैं यानी कि जिनके पास गाय या भैंसे हैं वो जैसे जैसे खुले में छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो वैसे नहीं करेंगे और उनको अपने पास बांध के रखेंगे, क्योंकि गोबर भी उनके लिए एक आमदनी का जरिया बन जाएगा। कैपिटल यानी राजधानी रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं, स्टेट एनिमल है वाइल्ड एशियन बफेलो जंगली भैंसा, स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे इंद्रावती जिसे कुतरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें। हिंदी में अगली जानकारी है, यह है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने इतिहास रचा है। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने ला लीगा के इतिहास में एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। असिस्ट का मतलब होता है कि जब एक आप पास देते हो उसके बाद सीधे गोल हो जाता है, उसे असिस्ट गोल कहा जाता है। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा वालाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की है। मेसी 2008-09 में टीम के पूर्व साथी रहे जवी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। तो लियोनेल मेसी ने ला लीगा जो कि अभी चल रही है और एक सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं, तो ला लीगा समाप्त हो गया। तो हाल फिलहाल लियोनेल मेसी विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से गिने जाते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इस बार इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब भी प्रदान किया गया था। अगली जानकारी विदेश सचिव विदेश राजदूत के नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार की जगह की गई है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। याद करना बहुत आवश्यक है, भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों के अतिरिक्त सचिव के प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का जगह लेंगे, जबकि भारत सरकार ने डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे हैं, एक बार दोबारा नजर डाल लीजिए। रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान जाएंगे, विक्रम दुरई स्वामी बांग्लादेश जाएंगे और विधुपी नायर तुर्कमेनिस्तान जाएंगे भारत के राजदूत के तौर पर। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट हुए राजदूतों के। बहरीन भेजा गया था पीयूष श्रीवास्तव को, कतर दीपक मित्तल को, श्रीलंका गोपाल बागले, नेपाल विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा अजय बिसारिया, यूएसए तरनजीत सिंह सिंधु, हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पर, टर्की संजय कुमार पांडा को, फ्रांस जावेद अशरफ को, नाइजर श्री प्रेम कुमार नायर, ब्रिटेन गायत्री ईश्वर कुमार, पपुआ न्यूगिनी में सुशील कुमार सिंगल, फिनलैंड रवीश कुमार, कुवैत सीवी जॉर्ज, स्विट्जरलैंड मोनिका कपिल मोहता और रोमानिया राहुल श्रीवास्तव, फिलीपींस शंभू एस कुमारन, जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा। तो ये सारे के सारे वो हैं जिनका अपॉइंटमेंट अभी पिछले 3 महीनों के दौरान किया गया है राजदूत के तौर पर। किसी देश में किसी दूसरे देश का राजदूत जो होता है उस देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। एटीके मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी के लीजेंड गुरु बख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान विजय दिवस के समारोह पे महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है और भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली और मनोरंजन पोरेल सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अशोक कुमार को आप जानते हैं जी, ये अशोक कुमार जो है ये मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, जबकि मोहन बागान रत्न से सम्मानित किए जाएंगे हॉकी लीजेंड गुरु बख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी। इनके अलावा जोसबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैग को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। याद रखने वाला एक कौन है इस बार मोहन बागान रत्न से कौन चुने गए हैं, गुरु बख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा अशोक कुमार को, ये इंपॉर्टेंट है। प्रणव गांगुली फुटबॉल के लिए और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स के लिए उनको चुना गया है। मोहन बागान की बात करें तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित एक भारतीय बहुउद्देशीय क्लब है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 में की गई थी
और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है, जबकि इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी गौरव प्राप्त है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। पहला नाम था, पूरा नाम है मोहन बागान एथलेटिक क्लब, जिसे आप मोहन बागान एसी भी कह सकते हैं। स्थान कोलकाता है। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन आईएफए शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था, और यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। इसीलिए इस याद में हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। और अब आने वाले 29 जुलाई को गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को दिया जाएगा मोहन बागान रत्न पुरस्कार। अगली जानकारी की तरफ चलें तो अमेरिका लगातार दूसरे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बना है, और ऐसे में चीन की जो ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि चीन के प्रति हम लोग का जो व्यवहार है, जो व्यापार है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है। वैसे तो चीन हमारा जो भारत का था सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार था, लेकिन अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन के आया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जब जो कि 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था। अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है, यानी कि इसमें प्रॉफिट है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया, जो 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर था। अमेरिका 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया था। आंकड़ों के मुताबिक चीन 2013-14 से 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अगली जानकारी है एक पुस्तक के बारे में। स्टीफन किंग द्वारा लिखित चार कहानियों का एक संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किताब लिखी किसने है? स्टीफन किंग ने। स्टीफन किंग को अगर आप देखें तो इस तरह के उपन्यास के लिए, इस तरह की कहानियों के लिए जाना जाता है जिनमें मर्डर मिस्ट्री होती है, जिसमें कुछ ऐसा होता है जिसमें समाज के प्रति द्वेष भावना दर्शाती, इस तरह की कहानी लिखने में जाना जाता है। तो किताब में अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल में एक बम फटने की कहानी के आसपास है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं। वह 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं, और वह हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपना समर्थन के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। तो इट्स ब्लीड किसकी पुस्तक है? स्टीफन किंग की। अब बारी है वर्थ यूथ स्किल डे, ऑब्जर्व किया गया 15 जुलाई को। प्रति वर्ष 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है, ताकि वह बेहतर अवसरों की तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सके। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौशल भारत अभियान के रूप में चिन्हित किया गया है, और विश्व युवा कौशल विकास दिवस 2020 का विषय है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। रेजिलिएंट का मतलब होता है ना डिगने वाला। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। लगातार दूसरे साल 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बनकर निकला है अमेरिका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसको बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? हेमंग अमीन को। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलआई एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया है? वह छत्तीसगढ़। ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं? तो वह है लियोनेल मेसी। किसको बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? तो उनका नाम है विक्रम दुरईस्वामी। एटीके मोहन बागान क्लब के अनुसार गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को इस साल मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा 29 जुलाई को। और चार कहानियों की एक संग्रह इफ इट ब्लीड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन किंग द्वारा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अब बारी है आज के क्विज के। किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको नाम का अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। लगातार दूसरे साल 2019 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार कौन बन के निकला है? तो वो है यूएसए। चाइना को पीछे छोड़ा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो उनका नाम है हेमंग अमीन।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है, तो वह है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वह है छत्तीसगढ़ की ऐप। लालिगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट हासिल किए, तो वह है लियोनेल मेसी। किसको बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है विक्रम दोराई स्वामी। एटीके मोहन बागान क्लब के अनुसार गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पलाश नंदी क्रिकेटर है जबकि गुरुबख्श सिंह हॉकी प्लेयर। चार कहानियों का एक संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखी गई है स्टीफन किंग द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, यह हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करेंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।